नमस्कार दर्शकों, इस प्रयोग के माध्यम से हम नेटवर्किंग केबल CAT6 केबल RJ45 कनेक्टर को केबल के साथ में क्रिम्प करने का अभ्यास करके देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, आपने OFC नाम सुना है। यह कांच का तार है, नीले रंग का जो आप देख रहे हैं, यह कांच का तार है, इसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए बाहर आप इस पे कवरिंग लगाते हैं, सर्विंग करते हैं, इस कारण जो है ये आपको केबल मोटा दिखाई देता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर से प्रकाश यात्रा करता है, प्रकाश ट्रेवल करता है और लाइट की स्पीड जो है वो बहुत अधिक होती है। इस कारण आजकल इंटरनेट या नेटवर्किंग में स्पीड प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। आगे अब इंटरनेट किस तरह से आता है देखते हैं। ये बताओ, BSNL की केबल कौन सी आ रही है? काले रंग की, ये BSNL की केबल आ रही है। ये आगे जंक्शन बॉक्स में दिखाओ, जंक्शन बॉक्स में कहाँ आई? इस जगह आई। और जंक्शन बॉक्स में यहाँ से दो पतले पतले ऑप्टिकल फाइबर के केबल निकल रहे हैं, एक नीले रंग में और एक सफ़ेद रंग में। सफ़ेद रंग का तो स्पेयर में है और नीले रंग का केबल ला करके यहाँ, ये स्लीव है जिसमें जंक्शन ज्वाइंट बनाया है और इससे ये पीले रंग का मोटा ऑप्टिकल फाइबर इस पीले फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर से होता हुआ यह राउटर के अंदर यहाँ तक ऑप्टिकल कनेक्शन चला गया। अब यहाँ से एक टेलीफोन के लिए प्लग निकला, RJ12 बोलते हैं, वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कनेक्शन इस जगह चला गया है। अब RJ45 का कनेक्टर जो है वो लैपटॉप को दे दिया गया है। पावर सप्लाई बताओ, इसकी पावर सप्लाई जो है यहाँ से काले रंग के केबल से होती हुई मेंस में दे दी गई है। अब टेलीफोन को चलाते हैं, रीडायल करते हैं। रीडायल करने से आप देखेंगे इस मोबाइल में अभी घंटी बजेगी। और जब इसको क्रेडिल पर रख देते हैं तो इसकी कॉल बंद हो गई है। अब यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखते हैं, यहाँ वाईफाई बंद है। स्पीड को टेस्ट करते हैं, MBPS का कनेक्शन है ये। डाउनलोड स्पीड चेक कर रहा है, इसके बाद अपलोड स्पीड की जांच हो रही है। यहाँ से YouTube चैनल चलाना चाहें चाहते हैं जबकि फ्रंट लोडिंग में, तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे वीडियो शिक्षा दे रही है। अब इसमें दो एंटीना भी लगे हुए हैं, उन एंटीना से वाईफाई चलता है। वाईफाई को भी जांच कर लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन डिसकनेक्ट करके देखिए। जब कनेक्शन को बाहर निकाल दिया तो आप देखेंगे कि अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई को ऑन करते हैं।
BSNL फाइबर, जब ये ऑन कर दिया तो आप देखते हैं और वापस से जो है टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में परिचय या एप्लीकेशन, अब ये वाईफाई काम करने लग गया। वाईफाई इस एंटीना से इंस्ट्रूमेंट तक आ रहा है। यह कनेक्टर RJ45 कनेक्टर हो कहलाता है, जो इंटरनेट या नेटवर्किंग में काम आता है। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि राउटर से कनेक्ट होता है दूसरी तरफ। इस कनेक्टर को RJ45 बोलते हैं। इसमें बाईं तरफ से पिनों को गिना जाता है, पहली पिन, दूसरी पिन और सबसे लास्ट में 8 नंबर की पिन, ये इस तरह से। यह इसका लॉक होता है, जो सॉकेट में जाके लॉक लगता है। इसे लैन केबल बोलते हैं, जो कि इसमें 8 केबल हैं, 4 पेयर हैं। एक नीले रंग का है, भूरे रंग का है, हरे रंग का है और केसरी रंग का है। प्रत्येक रंग के साथ में, सफ़ेद रंग के साथ में एक उसी रंग की धारी इस पे साथ में आप देख पाएंगे। यहाँ जो है केसरी रंग के साथ सफ़ेद पर केसरी धारी यहाँ दिखाई देगी। इसमें हर ये हरा रंग है और ये वाइट पे हरे रंग की धारी है। यहाँ पर ये जो है भूरा रंग है, भूरे पर सफ़ेद पे भूरे रंग की धारी है। इसमें जो है यहाँ पर ये नीला रंग है और ये वाला जो है सफ़ेद पे नीली धारी है। केबल को RJ45 कनेक्टर के साथ लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्रिम्पिंग टूल जो है ये आप दाते देख रहे हैं। RJ45 कनेक्टर यहाँ लगाया जाता है और जब इसको दबाते हैं तो यह पिनें आगे जा कर के केबल के अंदर जो है अपनी जगह बना लेती है। इसके अलावा यहाँ आप एक चक्कू देख रहे हैं, यह केबल को काटने के काम में आता है। साथ ही इस जगह आप एक राउंड शेप देख रहे हैं, यह राउंड शेप इस केबल के ऊपर के कवर को छीलने के काम आता है। देखिए काट के देखते हैं। सबसे पहले केबल यहाँ लगाइए, इस जगह लगाइए और ये आप यहाँ से कट कर दीजिए। केबल कट हो गई, ये केबल अलग हो गई। अब आप इसका कवर हटाना चाहते हैं तो इस जगह आप इस केबल को यहाँ लगाएंगे, लगा करके और इस क्रिम्पिंग टूल को चारों तरफ से घुमा करके यह जो है इसकी ऊपर की स्लीव जो है वो आपने अलग कर दी है। इसके पश्चात इसके 4 पेयर आप देख पाएंगे। अब कनेक्शन करने के लिए इसके दोनों सिरे जो होते हैं केबल के, प्रथम सिरे पर आप पहली पिन पर वाइट ऑरेंज रंग वाला केबल लगाएंगे, दूसरी पिन पर ऑरेंज रंग, तीसरी पर वाइट ग्रीन, चौथी पर ब्लू, पांचवी पर वाइट ब्लू, छठी पे ग्रीन, सातवीं पर वाइट ब्राउन, आठवीं पर ब्राउन। जबकि दूसरे सिरे में आप पहली पिन पर वाइट ग्रीन लगाएंगे, जो कि पहले सिरे में 3 नंबर पर था वाइट ग्रीन। दूसरे पिन पर आप लगाएंगे ग्रीन रंग, जो कि पहले सिरे में 6 नंबर पर लगा हुआ है ग्रीन। तीसरी पिन पर आप वाइट ऑरेंज लगाएंगे, जो कि पहले सिरे में आपने 1 नंबर पर लगाया था। चौथा ब्लू दोनों में
पिन नंबर 4 पर ही है, पांचवा वाइट ब्लू दोनों में पिन नंबर 5 पर है, और छठी पिन का ऑरेंज पहले सिरे में आपने 2 नंबर पर लगाया हुआ है। 7 नंबर की पिन पर वाइट ब्राउन है दोनों में, 8वीं पर ब्राउन है। एक्सेल शीट की टेबल में आप देखेंगे ए से लेकर के जी तक ये कॉलम बने हुए हैं, और यहाँ पर ये रो है। कॉलम एक में पिनों की संख्या 1 से 8 तक बताई है। कॉलम बी में पहले सिरे में जो केबल किस रंग के कौन सी पिन पे लगाने हैं वो बताए हुए हैं। कॉलम ई में दूसरे सिरे की केबल के कनेक्शन के रंग कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर इंद्राज किए हुए हैं। नीचे आप देखेंगे इस जगह बाईं तरफ जो है ये RJ45 कनेक्टर है जिसकी पिनों को नंबरिंग दी हुई है। दाहिनी तरफ कैट केबल है, इस केबल में 8 अलग अलग इंसुलेटेड केबल हैं, अर्थात 4 पेयर और 8 सेपरेट केबल है जिसे K6 केबल के नाम से जानते हैं। केबल को देखिए, हम केवल एक स्ट्रैंड को इस कनेक्टर के अंदर लगाते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे आपको केसरी रंग आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हरा रंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अथवा नीला रंग लगा के देखते हैं तो नीले रंग का आप देख पा रहे हैं केबल आगे तक जा रहा है। अब आप आगे के सिरे पर भी देखिए, इसमें यहाँ आपको कॉपर दिखाई देता है। इसका जो आगे का कॉपर है, यह कॉपर आपको यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से इसमें अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं, उन स्लॉट में ये स्वतः ही आगे चला जाता है। केबल के सिरे रंग के अनुसार जमा दिए हैं। पहला वाइट ऑरेंज है, दूसरे नंबर पर ऑरेंज है, चौथे नंबर पर ब्लू है, छठे नंबर पर ग्रीन है, लास्ट में ब्राउन है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सिरे आगे पीछे हो रहे हैं। क्रिम्पिंग टूल में इसको यहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद में इन सिरों को यहाँ से काटेंगे। अब ये सभी सिरे एक लंबाई के हो गए हैं। अब इसके पश्चात कनेक्टर के अंदर यह इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में यह इनके कॉपर के सिरे आप देखेंगे, केबल दिखाई दे रही है मूव करती हुई। पीछे ले दिया मैं, अभी आगे ले आया मैं, तो आपको सभी रंग की केबल यहाँ आगे तक दिखाई दे रही है। जब ये इसमें इंसर्ट कर दी, आप यहाँ स्पष्ट रूप से वापस देख सकते हैं रंग। दूसरे नंबर पर ऑरेंज है, चौथे नंबर पर ब्लू है, छठे नंबर पर ग्रीन है और 8वें पर ब्राउन है। क्रिम्पिंग टूल में यहाँ आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में क्रिम्पिंग टूल को दबाएंगे। अब ये आप देखिए, इसमें कनेक्शन लग गया, क्रिम्प हो गया। अब इस केबल के दूसरे सिरे पर भी RJ45 कनेक्टर को लगाते हैं। दूसरे सिरे के अनुसार क्रम से सेट करते हैं। वाइट ग्रीन ले लिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ग्रीन ले लिया,
इस क्रम से सेट करने के बाद में केबल को के सभी सिरों को समान लंबाई पर कर देते हैं। यहाँ सभी समान लंबाई पर हैं। ये इंसर्ट कर दिए। देखते हैं केबल आगे तक आ गई है। क्रिम्पिंग टूल में लगाते हैं। लगाने के बाद में देखिए क्रिम्प हो गया। इस तरह से इस केबल के दोनों सिरों को RJ45 कनेक्टर लगा दिया है। लेन केबल को टेस्ट करते हैं कनेक्शन हमारे सही हुए अथवा नहीं। इसके लिए लैपटॉप को ऑन करते हैं और इसके पश्चात यहाँ एक YouTube चैनल चल रहा है। ये वाईफाई जो है इस वाईफाई को यहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं जो कि अभी 97 BSNL फाइबर से जुड़ा हुआ है। ये टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ करने के पश्चात इसको छोटा करते हैं। कनेक्शन नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे। अभी कोई इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कनेक्ट टू इंटरनेट रीट्राई करते हैं तो ये इंटरनेट से अभी जुड़ नहीं रहा। जब वाईफाई को ऑन कर देते हैं रिफ्रेश करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। यदि आप वीडियो चलाना चाहते हैं तो चलती है। वाईफाई को ऑफ कर दीजिए। वीडियो चलाइए नहीं चलता। रीट्राई करिए तो भी नहीं चलता। अब वो केबल जिसके RJ45 कनेक्शन लगाए थे यह केबल आप देखिए कैसे ब्रॉडबैंड के साथ में कनेक्ट कर दी गई है। यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिया है। जब यहाँ इसको इंसर्ट कर दिया इसके पश्चात आप रिट्राई करें तो ये आप देख पा रहे हैं कि पुष्पेंद्र कुमार शर्मा का वीडियो चालू हो गया है। स्पीड टेस्ट करिए आप। इसको स्टॉप करिए। स्पीड टेस्ट करिए। रिफ्रेश करेंगे ये आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं।
तो डाउनलोड स्पीड आप अभी देख पा रहे हैं, ये अपलोड स्पीड आप देख पा रहे हैं। जो आपको लेन केबल से मिली है, इस वक्त वाईफाई बंद है। यहाँ हम यह भी देखेंगे कि यदि हमारी लैन केबल छोटी पड़ जाती है तो हम उसमें जॉइंट लगा सकते हैं, और छोटी पड़ जाती है तो दूसरा जॉइंट लगा सकते हैं, उसके पश्चात हम इसको काम ले सकते हैं। यह एक दूसरी तरह का राउटर है जिसको रिपीटर की तरह काम में लेते हैं। यह नीले रंग में जो है वो वेन कनेक्शन है, पीले रंग के जो कनेक्शन बता रखे हैं ये लैन कनेक्शन है। एंटीना लगा हुआ है, ये वाईफाई भी प्रोवाइड करवाता है। जॉइंट वाली केबल काम कर रही है क्या, इसको देखने के लिए यहाँ पहले वाईफाई देखते हैं। वाईफाई अभी बंद है, ऑन नहीं करेंगे इसको हम, और स्पीड टेस्ट करते हैं। यह कनेक्शन 100 Mbps का है, डाउनलोड स्पीड 91.50 आई, अपलोड स्पीड जांच हो रही है। वो भी 91.94 प्राप्त हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि लैन केबल में जॉइंट लगा के भी काम लिया जा सकता है, परंतु उन जॉइंट को बाद में इंसुलेट करके सुरक्षित करना होगा।